साहब, अभी बच्चों ने जो हायर सेकेंडरी कंप्लीट किया है, किस तरीके से वो लॉ के लिए अप्लाई करें? अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था किस चीज़ में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कल ही जो है प्रेस रिलीज कर दिया है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने कल ही अपने पोर्टल पे जो है वो नोटिफिकेशन डाल दिया है, CALUNIV.ac.in। इस पोर्टल पे जाने के बाद जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं, और इस बार क्योंकि पैंडमिक का सिचुएशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, दायरे के अंदर जो है लॉकडाउन की जो रेगुलेशन है वो भी लागू है, तो यही वजह है कि इस बार जो है रिटर्न एग्जामिनेशन, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पश्चिम बंगाल में होती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरफ से, वो नहीं कंडक्ट की जाएगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और मेरिट कम लिस्ट उस पर इशू होगी, उसके बाद काउंसलिंग की जाएगी। तो ये तकरीबन 10 सितंबर तक चलेगा, उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू होगा। तो जो भी बच्चे हैं जो कानूनी पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि कानून की मालूमात आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है, हर घर में कानून का सलाहकार होना चाहिए, कानून जानने वाला होना चाहिए, क्योंकि जो हालात है मुल्क के आप देख सकते हैं किसके साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, तो खुद की सेफ्टी खुद अगर हम लोग कर पाए तो उससे बड़ी अचीवमेंट नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लॉ की पढ़ाई, BA LLB 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके अलावा जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ज्योतिर्मय स्कूल में 3 साल की लॉ होती है, सुरेश्वर दत्ता लॉ कॉलेज में भी 3 साल की लॉ होती है, बिहाला में सरसुना लॉ कॉलेज है वहाँ भी 3 साल की लॉ कराई जाए, इसके अलावा उड़ीसा में फ़कीर मोहन लॉ कॉलेज है जो कि उड़ीसा के एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, वहाँ भी आप 3 साल का लॉ, और बर्दवान में भी कर सकते हैं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बच्चे वहाँ दाखिला ले सकते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ MD वकील, वेस्ट बंगाल स्टेट सेक्रेटरी, हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़। तूफानों से आँख मिलाओ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं हिंदुस्तान के 135 करोड़ लोगों को ये मैं पैगाम दे रहा हूँ, आज लीगल अवेयरनेस, लीगल एड अवेयरनेस ऑर्गेनाइज बाय डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान की आवाज़, हम आपके साथ हैं। हमारे बीच मौजूद थे ऑनरेबल जज मिस्टर गौतम कुमार नाग साहब, जो सेक्रेटरी भी है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कोलकाता। उन्होंने आज ये वादा किया, हम तमाम लोग जितने भी हमारे यहाँ बैठे हुए थे, चाहे मीडिया के रिप्रेजेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग हो, जुडिशल डिपार्टमेंट के लोग हो, उन तमाम लोगों की रिक्वेस्ट थी कि राजा बाजार के नियरेस्ट में आमा स्ट्रीट थाना PS के अंदर में एक लीगल एड अवेयरनेस या लीगल एड चैम्बर होना चाहिए। तो मैं मेनी थैंक्स करता हूँ गौतम कुमार नाग साहब का, जिन्होंने आज ये परमिशन दिया है कि आने वाले कमिंग वीक में एक दिन के लिए लीगल एड चैम्बर ओपनिंग किया जाएगा, और यहाँ पे जो लोकल जो मसले हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट का मामला है, डोमेस्टिक वायलेंस है या भाई भाई का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का कोई मामला, वो तमाम चीज़ें यहाँ पे 84 प्रताप हॉल के नाम से जाना जाता है, 84 APC रोड, कोलकाता 9 अंडर PS आमा स्ट्रीट में आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1,000 सॉरी 1,10,000 से लेकर 1,20,000 जिनकी एनुअल इनकम कम है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, भेन वाला, पुचका वाला, मोदी दुकान, जनरल स्टोर, हॉकर, जितने भी लोग हैं, 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, और बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग हमारे लीगल एड अवेयरनेस से जुड़े, हमारे बीच मौजूद हैं हमारे सीनियर जनाब सैयद नफील इस्लाम साहब, जो एडवोकेट हैं, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी है, इनकी जेर सरपरस्ती हम लोग लीगल एड चैम्बर हम लोग चलाएंगे, उनका बहुत बहुत शुक्र अदा कर रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है आकाश दत्ता साहब, जो कलकत्ता हाई कोर्ट के एडवोकेट है, हमारे बीच मौजूद है हमारे भाई मोहम्मद इमरान साहब, हमारे बीच मौजूद है इंजीनियर साहब भी है, जो लीगल एड से हमारे इंजीनियर साहब भी जुड़ रहे हैं। यही तो हिंदुस्तान है, जहाँ पे एक तरफ ठाकुर वशिष्ठ नारायण साहब मौजूद हैं और दूसरी तरफ हमारे सैयद नफील इस्लाम साहब, यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आखिर में एक मेरा छोटा सा पैगाम है, जितने देखने वाले हैं ना सिर्फ वेस्ट बंगाल बल्कि पूरा हिंदुस्तान, जिस तरह हम लोग एक छोटा सा हिंदुस्तान की आवाज़, हक की आवाज़, सत्य की आवाज़, एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है,
लेकिन इस 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव में एक कदम उठाए हुए हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अगर हम लोग 10 लोग के अंदर में या 10 लोगों से बात कर रहे हैं, उसके मोहल्ले में जाके अवेयर कर रहे हैं, और जो लोग एक्सप्लाइटेड लोग हैं उनको हम लोग डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू अगर हम लोग कोर्ट पहुँचा पाए और उनको इंसाफ दिलाने में अगर काम आए। किसी भी समाज, किसी भी देश में टेक्नोलॉजी से देश तरक्की नहीं करता है। कोई भी समाज, कोई भी देश टेक्नोलॉजी से तरक्की नहीं करता है, बल्कि टेक्नोलॉजी के साथ उस समाज में इक्वालिटी, बराबरी, फ्रैटर्निटी, भाईचारगी, जस्टिस, इंसाफ का होना जरूरी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अहम है इंसाफ, अदल और इंसाफ। जुल्म से अगर कोई मुकाबला करता है तो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, जो जुल्म से मुकाबला करती है, जालिम को मार भगाती है और एक गरीब इंसान को एक जो है वो इंसाफ दिलाती है। यही हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आखिर में मैं रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे बीच कुछ रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, वो भी अपने ख्याल का इजहार करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय बंगला, जय हिंद। आप लोगों को किस तरीके का चैलेंजेस देखने को मिलता है, खासतौर पर आम जो लोग हैं, गरीब तबके के लोगों को जो लीगल जो है फैसिलिटीज़ वो ले नहीं पाते, ऐसा कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया करियर में? देखिए, चैलेंजेस तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, और ये लीगल एड अवेयरनेस एक खुद में अपने आप में एक चैलेंज है। क्योंकि होता क्या है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं एक कैफियत से गुजरते हैं। उनके जहन में ये रहता है कि मेरी बच्ची है, उसकी शादी हो गई है और वो जुल्म की शिकार हो रही है, लेकिन वो शर्मिंदगी की वजह से किसी से बांट नहीं सकते। तो ये DLSA का जो प्लेटफॉर्म है, इन एसोसिएशन विद हिंदुस्तान की आवाज़, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहाँ लोग अपनी दिल की बात, अपनी परेशानी, अपनी कैफियत को आके जिक्र करें, और हम उस चैलेंजेस को अपनाने के लिए तैयार है, फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, बिना पैसा का। जो DLSA तकरीबन कई सालों से हिंदुस्तान के हर ज़िले में काम कर रही है, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बहुत खुशनसीबी की बात है कि उन लोगों ने हमारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया और हम लोगों से कमिटमेंट किया कि हम लोग सप्ताह में एक दिन आकर आपके इलाके में DLSA के ज़रिए से, हिंदुस्तान की आवाज़ के सहयोग से, हम लोगों की परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे कानूनी अखबार से। सर, एक बड़ा चैलेंज जो देखने को मिलता है कि पावरफुल लोग जो रहते हैं, पावरफुल लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोगों को दबा दिया जाता है, तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन तमाम गरीबों का की आवाज़ बनने की कोशिश करेगी? जी बेशक, हम लोगों का ये देखिए, ये हिंदुस्तान की आवाज़ से मैं कुछ सालों से जुड़ा हूँ। इसके अलावा जब से मैं इस फील्ड में हूँ, लीगल फील्ड में हूँ, तकरीबन 14-15 साल का कैरियर हो चुका है, और मैंने हर ज़माने में गरीबों के साथ, ज़रूरतमंदों के साथ कांधे से कांधे मिलाकर आवाज़ उठाई है। अभी आप जानते हैं कि पूरे मुल्क भर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। तकरीबन 9 महीने का वक्फा हो चुका है, वो बॉर्डर पर बैठकर अपनी एक मांग को लेकर लड़ रहे हैं। मैं उन लोगों से मिला हूँ, मैं सिंघू गया हूँ, मैं टिकरी गया हूँ, करनाल गया, मैंने उनके दर्द समझने की कोशिश की है, और यहाँ के बहुत सारे लोग उन लोगों से रابطہ कर रहे हैं। तो जो चैलेंजेस है वो हमेशा, क्योंकि जो सही होता है ना उसको हमेशा से दबाने की कोशिश की जाती है, ये सदियों से चला आ रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, सच को आँच नहीं है, समझ गए? सच थोड़े देर के लिए डिम हो सकता है, उसकी रोशनी हल्की हो सकती है, लेकिन फिर से वो नया सूरज, नया सवेरा बन के निकलता है, यही हकीकत है। इस वक्त हमारे बीच मौजूद है जनाब गौतम कुमार नाग साहब, जो के जज हैं। सर, आज के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के सिलसिले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम में मैं तो यही कहूँगा कि मैंने तो कहा है कि किसी को भी अगर लीगल एड चाहिए तो हम लोग हर जगह में DLSA का ऑफिस है, तो DLSA का ऑफिस में आइए। DLSA कोलकाता का ऑफिस सिविल कोर्ट में है, वहाँ आके आइए, फ्री लीगल एड मिलेंगे। मैं तो वेरियस इशू में कहा है, और भी मैं कहूँगा कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग लीगल इश्यूज, लीगल एड हमारे ऑफिस में आइए, वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट द मैटर। देखा गया है जो साहब, जो गरीब लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनकी कोई आवाज़ बनकर नहीं आता है, लेकिन आप जैसे जज जो कि ग्राउंड जीरो से एक स्ट्रगल करके अपलिफ्टमेंट हुए हैं और एजुकेशन हासिल करने के बाद जज बने हैं, तो सर आने वाले दिनों में पूरे बंगाल की जनता को, देश की जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि वो इस तरह के लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम करें जिससे गरीब दबे कुचले लोगों की मदद की जा सके? देखिए, ऐसे ही अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी है, ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जरूरी की वजह से
ताकि हम लोग हमारा जो नेबरहुड में है वो यहाँ पहन सकते हैं कि ऐसे मिल सकता है, कहाँ मिल सकता है, ये सब जरूरी है। ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम की वजह से सिर्फ ये रूम के अंदर रहेंगे यही तो बात नहीं, इसको हम लोग को फैलना होगा। आप अगर आज हम लोग मेरा ये रिकॉर्डिंग ले रहे हैं, ये जनता के पास जाएंगे, पब्लिक के पास जाएंगे, उन्हें सुनेंगे, उन लोगों को भी अवेयरनेस होगा ताकि उन लोगों को पता चले कि क्या उन लोगों का राइट्स है, टीएलएसए का रोल क्या है, ये सब पता चलना चाहिए। तो इससे वजह से मेरा ख्याल है कि ये सबको पता चलेंगे और मदद भी मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, हम लोग एक चैनल के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।